बताया था खबरों से पहले कि हमारे साथ होंगे साद बिन जफर, हमारी जो कनाडा की क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन हैं, बड़े यंग और बड़े हैंडसम हैं और बड़ी जबरदस्त गेम भी खेलते हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम वर्ल्ड कप की तरफ जाएं, कनाडा ने तो जनाब धमाके कर दिए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, अब इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो सबसे पहले तो हम अपनी कैनेडियन टीम का जर्नी पूछते हैं कि कैसा ये चल रहा है, और उसके बाद फिर हम वर्ल्ड कप के कुछ क्वेश्चन करेंगे। T20 जो गेम होता है 20 ओवर का, हाँ, उसमें एक बॉलर 4 ओवर करा सकता है, हाँ, ठीक है ना, हाँ, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि बॉलर 4 ओवर कराए, हाँ, और एक भी रन ना दे? अच्छा, मुमकिन है ये? हाँ, नहीं, ऐसे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने मुमकिन कर दिए। ओह रियली? जी, तो हिस्ट्री में T20 वर्ल्ड कप, T20 जो मैच होता है इंटरनेशनल मैच, वाओ, पैनामास के खिलाफ, हाँ, साद बिन जफर ने 4 ओवर कराए, अच्छा, और कोई रन नहीं दिया। क्या तो ये बात, पहले है? खिलाड़ी हैं हिस्ट्री में T20 जो 4 मेडन गए ओवर इनके। जी जी बिल्कुल। ओह वाओ, तो द प्राउड कैनेडियन, द प्राउड कैनेडियन क्रिकेट कैप्टन साद बिन जफर जो है हमारे स्टूडियो में, सो उनसे हम बात करेंगे। वेलकम टू द शो साद, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। तो बताइए जो बैशिंग की आपने वहाँ पे। जी, दैट वाज इन 2019, हमारा अगेन एक क्वालिफायर हो रहा था रीजनल वेस्ट इंडीज में, तो वहाँ पे हमारा पैनामा के खिलाफ मैच था, और वहाँ पे पैनामा के अगेंस्ट मैंने 4 ओवर्स कराए थे और चारों के चारों मेडन थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी जी, तो या अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक खुशी है कि मैं कनाडा के लिए उस तरह की एक परफॉर्मेंस दे सका। अच्छा, अब साथ ये जो था, हमें तो वैसे अगर देखा जाए हमारी हिस्ट्री, जब यहाँ पे गोरे थे, हमारी नेशनल टीम थी क्रिकेट, फिर हमने अमरीका को देखते हुए जो है अपना स्टेटस तक खो दिया, हमें प्लेट में रख के दिया गया पर हमने खो दिया, उसके बाद फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन इस वक्त जो है हम तो चाहते हैं कि एक तो कनाडा ना सिर्फ खेले बल्कि कनाडा बड़ी टीम्स को भी बुलाए, लेकिन जैसे हम आपके प्रेसिडेंट साहब रिशवाल साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे यहाँ पे क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, विच इज़ सो आई मीन सरप्राइजिंग, इतने बड़े मुल्क में कोई क्रिकेट का प्रॉपर स्टेडियम ही नहीं है, तो ये फिर क्रिकेट कैसे यहाँ पे फले फूलेगी? अब इतनी बड़ी आपको कामयाबी भी मिल गई है, तो ये कैसे चलेंगी चीजें? शायद थोड़ी मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ इस बात की। सबसे पहले हम मुबारकबाद देते हैं जो हमारे कैप्टन हमारे साथ हैं। कनाडा ने पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, हाँ हाँ। तो इंशाल्लाह कनाडा की टीम जो है वेकेशन के लिए जाएगी कैरेबियन और यूएस में। अच्छा देखिए, ये जो कनाडा ने जो क्वालिफाई किया, जी जी जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, ये सारा क्रेडिट जाता है G20 कनाडा को, ठीक है ना, उसी बेस पर जो 3 सीजन है हमारे शहर ब्रैम्पटन में और क्रिकेट बहुत ज़्यादा इन हुई है कनाडा में। अव्वल दो के हम 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुके हैं, 2003 में लास्ट टाइम हमने क्वालिफाई किया था, उसके बाद से हमने अभी तक क्वालिफाई नहीं, सॉरी 2011 में हमने लास्ट टाइम जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था 50 ओवर का इंडिया में, उसके बाद जो है कनाडा ने जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं किया। तो अब कनाडा की क्रिकेट टीम जो है वो दोबारा से उभर रही है, और उसका क्रेडिट जाता है T20 जो G20 हुआ उसमें। तो आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, तो आप साथ हमें बताइए कि कनाडा जो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, एक वो फैक्टर है, और अगर भाई शायद जी ने जो है बात की है कि पहले हमने स्टेटस खो दिया था, अब दोबारा जो हम क्रिकेट में आ रहे हैं, तो उसके ऊपर ज़रा अपना इनपुट दीजिएगा। जी बिल्कुल, तो मैं जैसे आपने बताया कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि हम कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेल सके और वर्ल्ड क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस पास में नहीं दे सके। उसकी एक रीज़न ये भी है कि हमें ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमें ICC से फंडिंग मिलती है वो इतनी नहीं है कि आप उसको कैटर कर सकें स्टेडियम्स बनाने में, तो आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, जो कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सालों तक मिसिंग पीस था, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं आती थी, और बहुत दफ़ा हमें ये भी सुनने को मिलता था क्योंकि इसलिए सपोर्ट नहीं आती कि क्रिकेट एक ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, तो इस साल उन्होंने अब ऐड किया है, इस साल उन्होंने बिल्कुल ओलंपिक स्पोर्ट्स को क्रिकेट को ऐड किया है, जो कि एक आई गेस एक स्टेपिंग स्टोन बनेगा हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने के लिए। तो बहुत सी अच्छी चीज़ें इन द रिसेंट 1 ईयर हुई हैं और डेवलपमेंट्स हुई हैं जो एक डायरेक्शन दिखाती है टूवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव
एरा ऑफ क्रिकेट इन कैनेडा बेसिकली. तो अभी लास्ट ईयर में पहले हमारे पास ओडीआई स्टेटस नहीं था, हम एक एसोसिएट स्टेटस था बट नॉन ओडीआई कंट्री थी. तो जो नॉन ओडीआई कंट्री होती है, आईसीसी का एक कोटा होता है एक बजट का, वो कम एक नॉन ओडीआई कंट्री को कम बजट मिलता है ईयरली. तो वो टू अब वो बजट क्रिकेट कैनेडा यूज़ करती है प्लेयर्स को के टूर्नामेंट्स कराने के लिए, उनको ट्रैवल करवाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में खिलवाने के लिए. तो जब आपको कम पैसे मिलते हैं तो ऑब्वियसली आपकी टीम ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती, ज़्यादा मैचेस नहीं खेलती, तो ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं होती. बट अब हमें पिछले साल हमें ओडीआई का स्टेटस मिला, तो अब हमें आईसीसी से भी ज़्यादा फंडिंग मिल रही है. तो अब हमें प्लेयर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए हैं ईयरली, तो प्लेयर्स विल प्ले फुल टाइम क्रिकेट. तो टीम भी कंपेटिटिव होगी, टीम अच्छी परफॉर्मेंस भी देगी. और अब क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया, क्रिकेट ओलंपिक्स में भी आ गई है, और इस वक्त क्रिकेट जो है सबसे मोस्ट पॉपुलर ग्रोइंग स्पोर्ट्स है कनाडा में. अब गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, तो अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट आनी शुरू हो गई है. सो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें लास्ट वन ईयर में हुई हैं, जिसकी वजह से हमें अब लगता है कि फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, और फ्यूचर में ये सारी डेवलपमेंट होगी जिससे क्रिकेट जो होगी इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, क्रिकेट विल बी वन ऑफ द मेजर स्पोर्ट्स इन कनाडा. लेकिन मैं आपको स्टेडियम तो फिर भी चाहिए ना? स्टेडियम बिल्कुल चाहिए. और जो जो ब्रैम्पटन के मेयर हैं पैट्रिक ब्राउन, ही इज ऑल इन फॉर दैट. और आई थिंक वो एक बात चल रही है, एंड होपफुली इट शुड बी अप्रूव्ड, और स्टेडियम पे भी काम होना शुरू हो जाएगा. उन्होंने बड़ा प्राउडली कहा, अभी एक इवेंट हो रहा था यहाँ पे ब्रैम्पटन के अंदर अहद रजा मीर का, तो वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये ब्रैम्पटन जो है ये पाकिस्तानियों का सिटी बनता जा रहा है. क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है मेरी मुलाकात जो है वकार यूनस से, वसीम अकरम से हुई थी, और उसके बाद फिर शाहिद अफरीदी से हुई थी, अब अहद रजा मीर से हो रही है. तो मुझे लगता है कुछ करना पड़ेगा. तो वहां पे सब जितनी जनता खड़ी हुई थी सबने कहा कि वी आर वेरी बिग ऑन क्रिकेट उसी वक्त वहां पे. तो आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि यू विल सून हियर गुड न्यूज एंड वी आर एब्सोल्युटली वर्किंग टुवर्ड्स. तो आपकी बात को मैं मतलब एंडोर्स कर रही हूं कि पैट्रिक ब्राउन एब्सोल्युटली इज वर्किंग ऑन इट. अच्छा साथ ये तो हो गई हमारी कनाडा की बात. अच्छा सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है इसके अंदर बहुत सारे अपसेट्स चल रहे हैं. जो फेवरेट टीम्स थी जिनका समझा जा रहा था कि जी ये तो बड़ी आगे आएंगी, तो वो जो हैं वो तो हारती जा रही हैं. आप देखें अफगानिस्तान ने कैसे कैसे बड़ी अपनी शक्ति दिखाई है और वो आगे आए हैं. और न्यूजीलैंड तो लग रहा है कि ये बिल्कुल ही अनबीटेबल टीम हो गई है, ये तो इसको तो हराना ही मुश्किल हो गया. चौथी आज इनकी विन आ गई है. पाकिस्तान को किधर देख रहे हैं आप, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच आने वाला है ये 20th को, फ्राइडे को? जी बिल्कुल, आई थिंक वर्ल्ड कप में काफी अनप्रडिक्टेबल से रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो यही क्रिकेट को एक्साइटिंग बनाते हैं. अगर सब चीज़ें प्रडिक्टेबिलिटी के हिसाब से होती रहें तो एक पॉइंट पे आके चीजें बोरिंग होने लग जाती हैं, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पहले से पता होते हैं और वही चीजें हो रही होती हैं. नेदरलैंड्स, यू कुड यू एवर इमेजिन कि नेदरलैंड्स विल यू नो डिफीट साउथ अफ्रीका? बिल्कुल. देखिए उन्होंने दूसरी बार किया, पहले उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में किया था जिससे पाकिस्तान को सपोर्ट मिली थी, और इस बार उन्होंने फिर 50 ओवर के वर्ल्ड कप में दोबारा से साउथ अफ्रीका को हराया. नेदरलैंड्स को भी देखा जाए तो जो बॉटम की टू टीम्स थी, क्योंकि इस बार 10 नेशन का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जो बॉटम की टू टीम्स थी श्रीलंका और नेदरलैंड्स, वो एक क्वालिफायर्स खेल के आई हैं, और क्वालिफायर में वो बड़ी टीमों को लाइक वेस्ट इंडीज को हरा के आई हैं, आयरलैंड को, स्कॉटलैंड को हरा के आई हैं. तो बेसिकली ये टीमें भी हैं जो कि अब ये छोटी नहीं रही, इन्होंने बार बार प्रूव किया कि ये अच्छी और एक स्ट्रॉन्ग टीमें वर्ल्ड की बनती जा रही हैं. और एक एसोसिएट क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ है कि आईसीसी को एक मैसेज जा रहा है कि एसोसिएट क्रिकेटर्स भी वर्ल्ड की नंबर वन टीम्स वगैरह को टफ टाइम दे सकते हैं और उनको हरा सकते हैं. तो आई थिंक इट्स गुड फॉर द ओवरऑल क्रिकेट बेसिकली. अच्छा साथ में वर्ल्ड कप में थोड़ी देर बाद में आऊँगा, पहले मैं दोबारा आता हूँ कनाडा. आपने देखा कि हमारे जो CA सेंटर में G20 हुआ, ठीक है, मुझे दो तीन खिलाड़ियों के जो है इंटरव्यूज, उनके जो रिस्पांस है वो सुनने का मौका मिला. तो उन्होंने कहा कि पिचेस जो है इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, ठीक है ना. उसकी मेन वजह ये है कि एक ही हमारे पास ग्राउंड है अवेलेबल. आपने कहा कि इस पहले सवाल के जवाब में आपने कहा कि पैट्रिक ब्राउन इस पर काम कर रहे हैं और स्टेडियम होना चाहिए. आहिस्ता आहिस्ता अगले 3-4 सालों में एक प्रॉपर स्टेडियम हमारे पास होगा ब्रैम्पटन सिटी में. एक से ज़्यादा वो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है. तो आप जो ऑपरेशनल होता है, जो टेम्पररी जो ग्राउंड होता है, उससे आप कितने खुश हैं और उसमें क्या क्या जो है बेहतरी लाई जा सकती है?
देखें अभी जो G20 है इट्स स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस राइट. ये तीसरा सीजन था G20 का, लेकिन पहले दो सीजन जो थे वो 2018 और 19 में हुए थे. उसके बाद कोविड ब्रेक आई, तीन साल का भी गैप आ गया, तो एक तरह से दोबारा से चीजें शुरू हुई. तो बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि विकेट्स थोड़ी स्लो थी और थोड़ी सी अंडर प्रिपेयर थी, ड्रेनेज का थोड़ा इशू था, बीच में बारिशें हुई तो उसकी वजह से भी विकेट्स को प्रॉपर टाइम नहीं मिल सका धूप लग के सही होने का. बट अगेन इट्स a step towards the growth of cricket in the country, right? So, still early stages mein hai, but jo shortfalls the, obviously, wo Cricket Canada ko, you know, wo address karenge, going in future, GT20 ki team us cheez ko address karegi. Aur long-term goal yehi hai ke sirf Toronto mein wo tournament na ho, balke Vancouver mein, Edmonton mein, jahan ki teams hain, GT20 jo own karti hain, unke eventually apne home ground ko, aur wahan teams travel karein, jis tarah PSL hoti hai, jis tarah IPL hoti hai, to structure usi को फॉलो करना है. बट ऑब्वियसली शुरू में सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती, बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं एंड व्हाट नॉट. सो इवेंचुअली वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट. नेक्स्ट ईयर मैंने सुनने में आया कि जिस ग्राउंड में भी G20 होगा उसमें लाइट्स वगैरह भी लगेंगी, तो इवनिंग मैचेस भी होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू में डे गेम्स हो रही थी तो आपको पता है कनाडा में 9 to 5 जो काम करता है वो गेम आके नहीं देख सकता, तो शाम की इवनिंग गेम्स बिल्कुल चाहिए ताकि होम क्राउड आके उसको इंजॉय कर सके टूर्नामेंट को. तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो भी प्लान में आया है और इवेंचुअली इट विल टर्न इंटू लाइक मल्टी एवेन्यू वेन्यू टूर्नामेंट जिसमें टीम्स ट्रैवल करें और डिफरेंट सिटीज में जाके भी मैचेस हो. अच्छा जीशांत, तुमने देखा है कि हमारा जो 770 है वो ब्रेकिंग न्यूज़ का चैनल बनता जा रहा है. इनके जो प्रेसिडेंट साहब आए थे रिशवाल साहब, तो सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने हमें दी थी कि भाई इन लोगों ने T20 का क्वालिफायर जो है वो जीता है, और अब ये एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि अब रात के मैचेस भी होंगे फ्लड लाइट में है. तो ये तो हमारा चैनल जो है ये ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल बनता जा रहा है. अच्छा आते हैं वर्ल्ड कप की तरफ. तो ओवरऑल अभी तक जो मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप में, तो टीम परफॉर्मेंस आप किस तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान की टीम को आप किस तरह देख रहे हैं और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखें वर्ल्ड कप में ऑब्वियसली क्यों बीइंग अ पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, बट हमें पता है कि पाकिस्तान की टीम कभी भी जो है वो कुछ भी कर सकती है राइट. तो वो स्मूथ राइड तो कभी भी नहीं होती. पास्ट हमने बहुत से वर्ल्ड कप इवेंट्स से ये चीज़ हमें पता है. सो इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान की ओवरऑल टीम अच्छी है. एक हमें सिर्फ इंडिया के मैच में जज नहीं करना चाहिए. स्टार्ट अच्छा मिला था बट मिडल ऑर्डर अनफॉर्चुनेटली यू नो कोलैप्स कर गया, तो हम एक अच्छा टोटल नहीं दे सके. बट आई स्टिल बिलीव के अभी बहुत अर्ली डेज है टूर्नामेंट का, अभी बहुत मैचेस पड़े हुए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीक राइट टाइम पे करो. तो अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो राइट टाइम में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट पीक करती है एंड देन दे गो इनटू द प्लेऑफ्स विद लाइक विन्स अंडर देयर बेल्ट, आई थिंक पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते. पाकिस्तान के बहुत अच्छे चांसेस हैं वर्ल्ड कप जीतने के. बट हैविंग सेड दैट, ऑन पेपर इस वक्त इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम्स जो हैं वो हॉट फेवरेट्स नजर आ रहे हैं. इंडिया बीइंग प्लेइंग इन इंडिया, तो उनका होम क्राउड है, उनको होम एडवांटेज है वर्ल्ड कप का, और उनकी टीम भी अच्छी है. और न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ICC के इवेंट्स में हमेशा अच्छा करती है, तो आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते. अच्छा जाते जाते मैं पूछूंगा, जैसे इंडिया से पहले जो पाकिस्तान का मैच हुआ श्रीलंका के खिलाफ, ठीक है, हमने क्लोज टू 300 यानी कि 350 रन का टारगेट चेस किया, सक्सेसफुल, द हाईएस्ट सक्सेसफुल टारगेट चेस किया वर्ल्ड कप में भी. तो पाकिस्तान को एज था कि वो एग्रेसिव खेले इंडिया के दरमियान. सो एज अ क्रिकेटर आप नहीं समझते पाकिस्तान थोड़ा सा ढीला हुआ? और पाकिस्तान इस पूरे वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से 8वीं या 9वीं टीम है जिसने पावर प्ले में लेस बाउंड्रीज लगाई है. बाउंड्रीज हिट करने का पाकिस्तान का जो एवरेज है वो बहुत कम है. तो इस पर आप क्या कहेंगे, ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान स्लो खेल रहा है पावर प्ले में? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि हम जो पाकिस्तानी टीम है वो थोड़ा सा उस तरह एग्रेसिवली नहीं खेलते जिस तरह की आजकल की क्रिकेट की डिमांड हो गई है और जिस तरह बाकी टीम्स खेलती हैं. सो अगेंस्ट पाकिस्तान की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है. आई थिंक वो मैं एक स्टैट देख रहा था कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में कोई भी छक्का नहीं लगाया पावर प्ले में, फर्स्ट पावर प्ले में. सो इट जस्ट शोज़ कि किस तरह पाकिस्तान अप्रोच करता है पावर प्ले को. तो आई गेस उनको थोड़ा सा
एक वक्त की रिक्वायरमेंट है कि क्रिकेट अब बहुत तेज हो गई है जी, तो 50 ओवर में भी आपको बड़ा स्कोर करना होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक स्कोर अचीव करना है, तो आप जिस तरह भी अचीव करें उसको बाउंड्रीज में अचीव करें या आप रनिंग बिटवीन द विकेट करें, वो आपकी एक अप्रोच है, बट आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान को थोड़ी सी अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी चाहिए और उस चीज पे उनको वर्क करना चाहिए। ठीक है, आप जो है, मैं बड़ा अटेम्प्ट हो गई हूँ जो है, आप क्योंकि अब कैप्टन है खुद से, है ना, तो साथ, तो अब ये जो बेचारा हमारा बाबर आजम है, ही इज ओनली अबाउट 29 इयर्स ओल्ड, तो अब एक मैच चूंकि हार गए हैं तो हर कोई आवाजें उठाना शुरू हो गया है कि बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए, एंड राइट इन द मिडल ऑफ द हीट ऑफ थिंग्स, यू नो वी आर राइट इन द मिडल ऑफ अ वर्ल्ड कप, उसमें अगर एक कैप्टन को ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो आप एज अ कैप्टन क्या बोलते हैं कि कितनी आपको डिस्करेजमेंट होती है, और जो वहां पे क्राउड का सारा जो माहौल था अहमदाबाद में, उससे जो आप सब लोग जैसे क्योंकि आप लोग खेलते हैं और आप तो एज अ कैप्टन खेलते हैं, तो जिस वक्त आप ग्राउंड में होते हैं तो क्राउड का कितना असर हो रहा होता है आप प्लेयर्स के ऊपर, आम प्लेयर्स पे, तो ये दो सवाल है मेरे। जी बिल्कुल, तो पहली चीज से मैं एग्री करता हूँ कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जो आपका लोकल मीडिया है उसको आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, बट ये है कि ये एक क्रिकेटर्स की जर्नी का पार्ट है, आपको नेगेटिविटी मिलेगी सुनने को, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं वो आपके ऊपर एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, एज अ रोल मॉडल, एज अ लीडर बेसिकली। तो आई बिलीव कि हाँ, एज पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी पब्लिक, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, बट एक क्रिकेटर को ये पता होता है कि ये बातें तो आप चलती रहती हैं, और ये परफॉर्मेंस के साथ है, और परफॉर्मेंस भी आप क्रिकेटर को पता होता है कि हर वक्त आप नहीं, लेकिन ये बातें पब्लिक और मीडिया इतनी नहीं कर रही, ये तो खुद एक्सपर्ट्स जो लेजेंड्स हैं जैसे कि शोएब मलिक जैसे हैं वो कर रहे हैं, भाई बीइंग अ प्लेयर योरसेल्फ व्हाई आर यू सेइंग दिस राइट इन द मिडल ऑफ वर्ल्ड कप। ठीक है, स्टिल नहीं कि आप कंटिन्यू। जी बिल्कुल, अगेन हर प्लेयर का अपना माइंडसेट है और सारे प्लेयर एक जैसी बात नहीं करते, विच ऑल्सो शोज के हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस और अपना माइंडसेट और वो अपने तरीके से बात करता है, बट आई थिंक पाकिस्तान ने बाबर आजम को कैप्टनसी दी हुई है, तो उसको जब तक उसके पास है उसको फुली सपोर्ट करना चाहिए, और जो टीम है उसने उसी को खिलाना है, उस बाहर से तो प्लेयर्स लेके आ नहीं सकता, तो आपने जीतना भी उनके साथ है, आपने हारना भी उनके साथ है, बट आप एट द एंड ऑफ द डे आपको एफर्ट नजर आनी चाहिए ग्राउंड पे, अगर लड़के हार्डवर्क कर रहे हैं और 110% दे रहे हैं अपना, सो यू शुड बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, अगर आपको एफर्ट नजर ना आए तो फिर आपका हक है आप उसको शिकायत कर सकते हैं। कि वो जो क्राउड का प्रेशर होता है प्लेयर्स पे, जी क्राउड का प्रेशर ऑब्वियसली होता है, आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, स्पेशली इंडिया में, और यू नो द नंबर्स वर के 100,000 पीपल वर देयर, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर होता है, बट प्लेयर्स लेते हैं, जब आप लोग खेल रहे होते हो ग्राउंड में आप लेते हो उसका प्रेशर। जी बिल्कुल, लाइक इट्स अ नेचुरल थिंग, अगर आप खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर आप पे लोगे ताने कस रहे हैं, आपको बातें सुना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको प्रेशर आएगा, दैट्स नेचुरल, लेकिन आप उसको हैंडल कैसे करते हो वो आपके ऊपर है, आपके आप जो बातें सुन रहे हो वो आप उसको कान तो ब्लॉक नहीं कर सकते, वो आपके आप प्रोसेस आपका ब्रेन कर रहा है, बट आप उसको रिएक्ट कैसे करते हो और उसको अपनी परफॉर्मेंस को अफेक्ट होने नहीं देते, वो एक प्लेयर्स का आर्ट है, कि उसको अगेन इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो नर्व्स की गेम है, वो प्रेशर की गेम है, इट्स वो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो टैलेंट और स्किल साइड पे हो जाता है वो कम हो जाता है, और आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो वो ज्यादा मानी रखता है, तो अगेन इनको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, और यू नो प्रेशर हैंडल करेंगे तो तभी गेम जीतेंगे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने आपसे पहले वसीम बारी साहब का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने यही कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो टीम उस दिन प्रेशर ले लेगी वो उस दिन जीतेगी, तो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम ने प्रेशर ले लिया और पाकिस्तान ने प्रेशर नहीं लिया, तो दे कलैप्स, वरना तो हमने T20 में लास्ट ईयर देखा था दुबई में कि 10 विकेटों से यही टीम यही स्क्वाड जो था वो जीता था, एंड दिस इज ऑल दैट वी हैव फॉर यू टुडे। तुम्हारा प्यार बड़ा नजर आ रहा है मुझे साथ के साथ, बहुत गहरा ताल्लुक है हमारा, तो खट्टी मीठी बातें करते हैं। पूरे वर्ल्ड कप में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है जिसके लिए यार आप चीयर करेंगे, आप 4 बजे जो है उठकर मैच चीयर कर लेंगे? मोहम्मद रिजवान। अच्छा, जाते जाते बताइए कि क्वालिफाई के लिए 4 टीमें कौन सी होंगी आपके ख्याल में? इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया तो फॉर श्योर, जो दूसरे 2 स्पॉट हैं उसमें एक आई वुड से पाकिस्तान, सही, और जो 4th स्पॉट है इट कुड बी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। देखें 10 से आपने 7 गिनवा दिए, 29 का क्या? सो अगर सिर्फ 4 नाम लेने हैं तो न्यूजीलैंड, इंडिया,
पाकिस्तान और इंग्लैंड। अच्छा, मुझे पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा, मुझे बिल्कुल सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। सो आई वुड से इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड यू नो कोई एक और, या तो साउथ अफ्रीका या कोई अफगानिस्तान बोल रहे में क्या है। लेकिन पाकिस्तान डेफिनेटली मुझे सेमीफाइनल में नजर नहीं आ रहा। और मेरा जो फेवरेट प्लेयर है भाई कोहली है, हमेशा कोहली रहेगा। ठीक है जी, कोहली के हम नारे लगाते हैं फिर ये कंबल कुट मुझे करते हैं, खैर कोई बात नहीं है, हमारा प्यार ही इतना है कोहली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपने बात की कनाडा के क्रिकेट के हवाले से, G20 के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से, तो आपको इंशाल्लाह स्टूडियो में जो है दोबारा दावत देते रहेंगे और क्रिकेट पे, क्रिकेट के ऊपर और वर्ल्ड कप के ऊपर आपसे जब बातचीत करें। जी सर जी बिल्कुल, थैंक यू नाजरीन और हमारे सुनने वाले, दिस इज ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे। प्लीज हमारे साथ इसी तरह हर रोज शाम 6 बजे आप जुड़ा करें, हम इसी तरह के खूबसूरत किस्म के जो हैं नौजवान आपके लिए लेकर आएंगे, जो आपको कॉमेंट्री भी सुनाएंगे और आपको अपनी एक्सपर्टीज भी देंगे। बट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे, सो बाय फॉर नाउ।